नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी, मेरी तरफ से आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है और मैं आज जा रहा हूँ गणेश की मार्केट में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे कन्नड़ का मार्केट कैसा होता है, हम किस तरह से इंजॉय करते हैं गणेश चतुर्थी को, हमारा गणेश बापा कौन सा है, ये सब अब मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। कड़ी धूप कड़ी नहीं है, लाइटली माइल्ड धूप पड़ी हुई है और हम आप जा रहे हैं गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन करने, गणपति बापा को घर लाने। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप मास्क जरूर पहनेगा, मास्क निकालना नहीं आपको, ज़्यादा जोश में होश मत गवा बैठना। और चलिए दोस्तों, फिर हमारे आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सेलिब्रेट करते हैं गणेश चतुर्थी विद पापा। तो भाई लोगों, आज मेरे साथ ही मेरे पापा जी, और पापा जी के साथ हम जाएंगे मार्केट घूमने के लिए। पापा जी भी दिखाएंगे आपको मार्केट कैसा होता है, यो बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो चलिए चलिए एंजॉय करते हैं आज गणेश मार्केट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, यहाँ से देखिए हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से अब पूरा वातावरण चेंज हो जाता है, पूरा कम्प्लीटली पूरा प्रेजेंट एटमोस्फियर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। आप सामने जाके हम देखने वाले हैं कि किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। एक गांव में हम पहुँच नहीं पा रहे हैं और यहाँ से आप फिर देखिएगा कि गणेश फेस्टिवल किस तरह से, ये आप देख सकते हैं सामने स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। वहाँ पर वो मंदिर पे लाइटिंग देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर लाइटिंग की है उस मंदिर पे। यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइटिंग वगैरह सब देख लीजिए आप। ये एटमोसफियर अपने अपने शहर का जो एटमोसफियर है वो अपने शहर में ही आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लोग अपने अपने प्रकार से, अपने अपने कल्चर से, अपने अपने ट्रेडिशन को जपते हुए यहाँ पर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पर सामने कितने ट्रैफिक है, सामने हमारा गणेश मार्केट आने वाला है। जतन करते हुए हाँ देखिए, यहाँ पर सामने देखिएगा पुलिस भी तैनात है यहाँ पर, कोई नियम ना तोड़े इसलिए। हमें पुलिसों के काम को भी सलामी देनी चाहिए कि वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए पुलिस की गाड़ी है, देखिए पुलिस भी यहाँ पर दिन रात काम करते हुए कोई नियम ना तोड़े इसका ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक को बनाए रखने का काम है। सब तरफ देख सकते हैं आप सामने कितनी ट्रैफिक दिख रही है, क्योंकि सामने हमारा मार्केट जो मेन मार्केट है वो मेन मार्केट सामने है। यहाँ पर पुलिस को देखिए, यहाँ स्टॉल्स वगैरह देखिए, गणेश का स्टॉल देखिए, कितने अच्छे अच्छे गणेश मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर गणेश मूर्तियां यहाँ पर मिलती है। हर फेस्टिवल का अपना अपना एक मजा होता है। तो हम बस पहुंच रहे हैं गणेश मार्केट में, वहां पर सामने देख सकते हैं वहां पर है हमारा गणेश। तो हम पहुंच रहे हैं गणेश मार्केट में और एक रास्ता सीधे गणेश मार्केट जाता है। यहाँ पर हर एक घर में गणेश जी के मूर्तियां होती है जो कलाकार खुद बनाते हैं अपने हाथों से और यहाँ पर रखते हैं बेचने के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं गणेश जी की कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर। देखिए नीचे भी स्टॉल देख सकते हैं, सामने लगा रही गड्डी और गड्डी लगाने। तो आप क्या सोचते हैं इस तरह इस साल गणेश फेस्टिवल हम कैसे मनाएंगे, क्या क्या एंजॉय करेंगे? कुछ भी नहीं दिखा है मार्केट, सब ठंडा ठंडा मार्केट है कोरोना की वजह से। पुलिस भी बहुत सख्ती कर रही है। Oh yeah!
देवता का तो ये है हमारे गणेश जी पापा, और पापा जी उन्हें पहना रहे हैं। कल्चर के मुताबिक हर एक चीज करना आवश्यक होता है। गणेश जी पापा मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने गणपति बाप्पा को ले लिया है। यहाँ पर देखिए पापा जी भी खुश है। यहाँ पर देखिए पापा जी जरा, तो पुलिस भी कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल रही है, हमें रूल्स का फॉलो भी करना चाहिए। वो भी राइट ही काम कर रहे हैं, वो कोविड से बचाने के लिए, कोविड का प्रादुर्भाव कम करने के लिए पुलिस भी थोड़े रिस्ट्रिक्शन डाल रही है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। पर मज़ा बहुत आया, आप मज़ा करेंगे यार। यहाँ पर देख सकते हैं गणपति बाबा भी हमारे साथ है अभी। तो चलिए आगे की कहानी भी देख लेते हैं। गणपति बाबा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं लाइटिंग हो चुकी है, काम लाइटिंग का, यहाँ पूजा भी हो चुकी है, और ये सिंपल सा ऐसा डेकोरेशन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर भोग देख सकते हैं, यहाँ पर पेड़े है, इसे करंजी, इसे वायु लाड़ू कहते हैं हम। ये है मोतीचूर के लड्डू, और ये भी वायु लाड़ू है, पर ये खारे है और ये गुड़ है। अब फिर हम अब यहाँ पर गणपति बापा को यहाँ पर बिठाएंगे, विराजमान करेंगे, और फिर पूजा करेंगे और आरती करेंगे।